नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी साहित्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से संबंधित। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम एकांकी किसे माना गया है? तो सही उत्तर होगा 3 नंबर, ए घूंट जयशंकर प्रसाद की रचना को। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा मुख्यतः किस विषय के एकांकी लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं? 1 नंबर ऐतिहासिक। अगला क्वेश्चन है पेरू में पंख बांधकर किसकी रचना है? 3 नंबर रामवृक्ष बैनीपुरी। अगला है हिंदी में इंटरव्यू विदा का सूत्रपात किसने किया था? 2 नंबर बनारसी दास चतुर्वेदी ने। अगला है निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन हैं? 3 नंबर रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद ने निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी लिखी थी? 2 नंबर दुर्गादास। अगला है उत्तरयोगी जीवनी किस महापुरुष के जीवन पर लिखी गई थी? तो 4 नंबर महर्षि अरविंद। अगला क्वेश्चन है अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन हैं? 4 नंबर पांडे बेचेन शर्मा उग्री। अगला है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के रचनाकार? 2 नंबर विद्यानिवास मिसर। अगला है हिंदी का प्रथम रेखा चित्र लेखक माना गया है? 1 नंबर पंडित श्रीराम शर्मा। अगला है खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्राचीन प्रमाण किस रचना में मिलता है? सही उत्तर होगा 1 नंबर चंद छंद वर्णन की महिमा। अगला क्वेश्चन है भाषा योग वशिष्ठ रचनाकार कौन है? सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर राम प्रसाद निरंजनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लक्षणा के दो भेद रूढ़ी और प्रयोजनवती किसने दिए थे? सही उत्तर होगा 3 नंबर मम्मट ने। अगला क्वेश्चन है चौथी शब्द शक्ति तात्पर्य मानी है? 2 नंबर कुमारिल भट्ट ने। अगला है दौनी संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं? 1 नंबर आनंद वर्धन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेट और फर्स्ट ग्रेड में हर बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस रीति का दूसरा नाम ग्राम्य है? 3 नंबर पांचाली रीति का। अगला क्वेश्चन है रुद्रट ने कौन सी नई रीति मानी है? 2 नंबर लाटी। अगला है कविता को किसने मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहा है? 2 नंबर रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है वक्ता द्वारा कही हुई बात का जब श्रोता जानबूझकर दूसरा अर्थ लगाता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? 4 नंबर वक्रोक्ति अलंकार। अगला है विरह की अहि सूर जरी कापा मानहु रति दिवस जरी ओहु तापा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 2 नंबर उत्प्रेक्षा। अगला क्वेश्चन है जागा जागा संस्कार प्रबल रे कामा गया तक्षणा जल देखा वामा वह नहीं थी अनल प्रतिमा वह पंक्ति में अलंकार कौन सा है? 4 नंबर भ्रांतिमान। अगला क्वेश्चन है जहां दो खतनों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो अर्थात पहले एक बात कहकर उससे मिलते जुलते भावार्थ वाली दूसरी बात कही जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? 2 नंबर दृष्टांत। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा काव्य गुण है जो सभी रचनाओं में और सभी रसों में व्याप्त होता है? 4 नंबर प्रसाद। अगला है दंत कथा धर्म गाथा पुराण कथा इत्यादि का प्रयोग किसके लिए होता है? 4 नंबर मिथक के लिए, मिथक का मतलब झूठ होता है। अगला है काव्य कला या तो सिद्ध पुरुष का काम है या पागल का, ये कथन किसका है? 3 नंबर अरस्तु का। अगला है आचार्य शुक्ल ने बिंब का प्रवर्तक किसे माना है? 4 नंबर फ्लिंट को। पिछली बार स्कूल लेक्चर की जो राजस्थान में एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसका सही उत्तर फ्लिंट ही माना गया था। अगला क्वेश्चन है हिंदी समीक्षा में बिंबवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है हिंदी में अजनबियत का प्रयोग किससे हुआ था? सही उत्तर होगा 1 नंबर अज्ञेय के उपन्यास अपने अपने अजनबी।
अगला क्वेश्चन है, बिंब अभिधा की अपेक्षा लक्षणा और व्यंजना पर आधारित होता है। सही उत्तर होगा 3 नंबर, केदारनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, दिवा स्वप्नात्मक अथवा दिवा स्वप्नात्मक बिंब का दूसरा नाम क्या है? 3 नंबर, फैंटेंसी। दोस्तों, गजानन माधव मुक्ति बोध ने सबसे पहले हिंदी साहित्य में फैंटेंसी का प्रयोग किया था कामायनी एक पुनर्विचार रचना में। अगला क्वेश्चन है, कवि की प्रतिभा की कसौटी उसके बिंबु की शक्तिमता मौलिकता एवं प्रभार की क्षमता है। उक्त कथन किसका है? 3 नंबर, हर्बर्ट रीड का। अगला है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमें कीजिए, ये प्रार्थना किस कवि की है? सही उत्तर होगा 4 नंबर, राम नरेश त्रिपाठी की। अगला क्वेश्चन है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसे उथल पुथल मच जाए। पंक्ति में कौन सा कवि क्रांति के द्वारा आमूलचूल परिवर्तन का आह्वान कर रहा है? 2 नंबर, बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला है, आधुनिक युग की गीता किस रचना को कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को। दोस्तों, ये कृति रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। इसको विश्व की 100 श्रेष्ठ रचनाओं में 76वां स्थान प्राप्त है, जो 2014-15 में जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या भूलू क्या याद करूँ, निशा निमंत्रण नीर का निर्माण फिर से बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक किसकी आत्मकथाएं हैं? सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, हरिवंश राय बच्चन की। दोस्तों, मैंने हिंदी साहित्य के 35 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों से संबंधित ये वीडियो जारी किया है। आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भारत।